शादी के 10 साल बाद मंतु मुरादू से पैदा होने वाले बच्चे को डॉक्टर नामर्द बनाकर मुल्क छोड़कर भाग गया। ये वाकया साउथ पंजाब डेरा डिवीजन डीजी खान की तहसील कोटछुट्टा का है। मोहम्मद अहमद साहब, जिन्हें अल्लाह पाक 10 साल बाद औलाद से नवाजते हैं, उनको बेटा होता है, उनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखते हैं। अब्दुल्ला के खतने करवाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब उनके खतने करने की बजाय उनको ताहयात उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उनको नामर्द बना देते हैं, उनका अज़्वे तनासुल यानी नफ्स काट देते हैं। अब्दुल्ला के वालिद अहमद साहब डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब पर FIR करवा देते हैं। जब गुलाम अब्बास को FIR का पता चलता है, बकौल अहमद के, वो मुल्क छोड़कर उम्रे की आड़ लेकर सऊदी अरब चला जाता है। उम्रे की आड़ लेके निकल गया सऊदी अरब। जब सऊदी अरब से वापस आते हैं तो वो जमानत करवा देता है, केस का रुख ही बदलवा देता है, केस को इल्तवा में रखवा देता है। फिर मुतासर अब्दुल्ला के वालिद अहमद साहब इंसाफ के लिए लाहौर IG पंजाब साहब के पास जाते हैं। जब IG पंजाब के पास जाते हैं तो वो DPO DG खान को ऑर्डर करते हैं कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, तो वो बंदा फिर अप डाउन करके जमानत करवा लेता है। अहमद साहब अपने बेटे के इंसाफ के लिए एड़ियां उठा उठाकर अदलो इंसाफ के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। वो अब DG खान से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। चीख चिल्ला रहे हैं कि मेरे बेटे का इंसाफ किया जाए। जितने भी आला हुकाम देख रहे हैं, जितने भी इदारे देख रहे हैं अदलो इंसाफ करने वाले, उनसे वो गुजारिशें कर रहा है, अपीलें कर रहा है, रिक्वेस्टें कर रहा है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए। आज मेरे बेटे के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो IG पंजाब साहब से गुजारिश है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें और अहमद साहब को इंसाफ दिया जाए।